nth term of AP formula क्या है इसका? सर nth term का a plus n minus one d. a plus n minus one d. बोला करो, एक्चुअली क्या है, आपको तो रिवीजन ही होगा, जो बच्चे सुन रहे हैं उन्हें भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, उन्हें भी याद होगा, तो शर्माया मत करो. an is equals to a plus n minus 1 into d, ये हमारा फॉर्मूला. बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, एक्सरसाइज 5.2 इज जस्ट बेस्ड ऑन दिस. तो 2-3 क्वेश्चन हमारे रह रहे हैं इस एक्सरसाइज. अच्छा, ये अगर हो जाएगा तो लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है वो इसी पे डिपेंड है, उसमें सिर्फ एक फॉर्मूला लगेगा, लेकिन समटाइम हमें ए एंड डी निकालने में इसको यूज करना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए फिर इजी रहेगा कि हाँ अगर हम ये एक्सरसाइज कर लें तो फिर वो हमारे पास सेम आ जाएगा. देखो सर, हमारे पास क्या है, द थर्ड एंड नाइन टर्म्स ऑफ एपी आर 4 एंड माइनस 8. प्लीज ध्यान से देखो, इफ द थर्ड टर्म्स ऑफ एपी आर 4, ए थ्री, थर्ड टर्म को हम क्या कहेंगे सर? ए प्लस टू डी. ए प्लस टू डी कितना गिवन है? फोर. एंड नाइन्थ टर्म इज माइनस 8. नाइन्थ टर्म ए प्लस 8 डी. यस, ए प्लस 8 डी इज इक्वल्स टू माइनस 8. इज माय फर्स्ट इक्वेशन, इज माय सेकंड इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2, सिंपल. तो आपके पास क्या हो रहा है सर? माइनस माइनस प्लस. 2 माइनस 8 क्या हो गया सर? 8 प्लस 4 क्या हो गया सर? सर 12. ई इज इक्वल्स टू कितना आ गया सर? माइनस 6 होगा ना जी बेटे. अच्छा भाई, सही बात है. देखो ध्यान नहीं होगा, डी जो होगा 6 माइनस में होगा. यस, शाबाश. तो डी फिर माइनस का ही 2 आएगा. यस सर, नो? यस सर. तो डी माइनस का 2 आएगा. डी माइनस 2. जी जी, पुट इन 1 कर दीजिए. पुट इन 1 करेंगे बेटे तो ए प्लस 2 डी. डी हमारा माइनस 2 है. 2 2 जा 4, लेकिन 4 इधर जाके प्लस हो जाएगा. 4 प्लस 4 8. ए इज इक्वल्स टू 8 आ गया भाई. अगर a is equals to 8 आ गया, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, a हमारा 8 है और d हमारा माइनस 2 है. क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि इसमें एक चीज पूछ रहा है, विच टर्म ऑफ द ap इज 0. विच टर्म ऑफ ap इज 0. प्लीज ध्यान से देख लीजिए सब बच्चे, जब आपसे कहता है विच टर्म का मतलब है पोजीशन हमें नहीं पता. जब पोजीशन नहीं पता, हम मान लेते हैं पोजीशन इज n. तो अगर हमें n निकालना है तो n निकालेंगे, बट आपको टर्म निकालना है, विच टर्म, तो हम कहते हैं ए एन. यस और नो? हाँ भाई, आपसे कह रहा विच टर्म, तो हम कहेंगे nth टर्म ऑफ दिस ap इज व्हाट? 0. तो nth टर्म इज 0, ये हमसे कह रहा है और n निकालना है. तो अब हम यहाँ क्या कहेंगे, हम यहाँ कहेंगे हियर, या सपोज कर लेते हैं, लेट nth टर्म इज 0. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एन एच टर्म? अभी फॉर्मूला आपसे पूछा था, ए प्लस ए कितना है भाई हमारा? 8. एन हमें मालूम नहीं है. डी हमारा कितना है? माइनस 2. इक्वल्स टू व्हाट? 0. सॉल्व करो भाई, आपसे क्या कह रहा है, 8 माइनस 2 एन प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो 2n को इधर ले जाओ, 10 इज इक्वल्स टू 2n. n इज इक्वल्स टू व्हाट? गुड. आइए सर, एक क्वेश्चन और देखिए सर. ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सब बच्चे कोशिश करना. एक सेकंड का क्वेश्चन है, एक सेकंड, वन लाइनर, वन मार्क्स के लिए, टू मार्क्स के लिए आपसे पूछ भी सकता है. बट जो मैं आपसे कहता हूँ, वर्ड बाय वर्ड, द 17th टर्म ऑफ एपी, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, 17th टर्म ऑफ एपी. तो 17th टर्म हो गया सर A17. ठीक है सर, एक्सीड means it is extra. It's 10th term from 10th term by 7.
बताओ ये जो वर्ड्स लिखे हुए थे क्या ये सिंबल यही आएगा या नहीं आएगा? 17th टर्म इज एक्स्ट्रा इज मोर देन 10th टर्म बाय 7, तो A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7, यस और नो? यस सर। आप प्लीज यहाँ ध्यान देख लीजिए सब बच्चे, देयर इज ओनली वन कंडीशन, देयर इज ओनली वन इक्वेशन, तो वी कैन फाइंड ओनली वन थिंग। अगर यहाँ पे आपके पास एक ही इक्वेशन है तो एक ही वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं, दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं, कभी भी आप यहाँ पे इस इक्वेशन से दो चीजें नहीं निकाल सकते। तो आपसे कह रहा फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो क्वेश्चन भी यही है कि एक ही चीज निकलवा रहा है, सिर्फ डी निकलवा रहा है। जरा प्लीज ध्यान से बताओ A17 क्या होता है, A10 क्या होता है, A+9D। आप माइनस कर दीजिए, ए प्लस 16D माइनस ए माइनस 9D इज इक्वल टू 7, ए माइनस ए कैंसिल, 16 माइनस 9 क्या होगा भाई, 7D इज इक्वल टू 7, तो D इज इक्वल टू व्हाट, 1, दिस इज द आंसर। वन मोर क्वेश्चन प्लीज, देखो जरा ध्यान से। हाँ जी, जो बटालियन चुप है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। एक बार हाथ मुंह साफ कर लिया करो, ठीक है? आपको भी लगेगा कि मैं क्लास में इन्वॉल्व हूँ, मुझे भी लगेगा कि बच्चे यहाँ हैं। सब बच्चे एक बार जरा ऐसे ही दुआ सलाम कर लिया करो, खैरियत पूछ लिया करो, ठीक है, कुछ भी कह दिया करो, बट आपको खुद फील होगा कि आई एम इन द क्लास, तो आपको अपना इन्वॉल्वमेंट नजर आएगा और फिर अच्छा लगेगा आपको। यस सर। प्लीज जी बेटे बोलो, एक बार जैसे वापस से रिपीट करिएगा। कौन सा वाला बेटे? एक क्वेश्चन बताइए, क्या रिपीट करूं बेटे? आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है। बेटे आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, तो 17th टर्म इज मोर देन 10th टर्म बाय 7, ये हमारे पास है। तो जस्ट राइट दीस वर्ड्स इन सिंबल्स, तो क्या होगा आपके पास कि 17th एक्स्ट्रा फ्रॉम 10th बाय 7, तो 17 टर्म को आप क्या लिखेंगे बेटे, A17, 10th टर्म को आप क्या लिखेंगे बेटे, A10, what is the difference here, 7, but आप 17 टर्म को क्या कहते हैं बेटे, A plus 16D, अच्छा 10th टर्म को क्या कहते हैं बेटे, A plus 9D, yes, अब आप इनका डिफरेंस करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो A से A क्या होगा बेटे, cancel, 16 minus 9 क्या आएगा बेटे, 7, तो 7D is equals to 7, तो what is D? D is equal to 1. आ गया बेटे? Yes. Thank you. हम आपसे ये कहते बेटे कि अगर सिंगल इक्वेशन बनेगी तो आपको सिंगल ही वेरिएबल निकालना होगा। If you have two equation, then you can find two values. ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा सब बच्चे। To finding two variables, we need two equations. To find one variable, one terms, we need one equation only. देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा ये तो वैसा ही है छोटा सा, देखो इधर, ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, बट ये एग्जाम में नियरली 3-4 टाइम्स आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, कंपटीशन में भी आ चुका है कई बार, देखो। और हम कोशिश यही करते हैं कि हम वन वर्ड आंसर दें, वन लाइन आंसर। विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ये हमारे पास है, ठीक है? एपी गिवन है, व्हाट इज अवर एपी, 3, 15, 27, 30, वेरी गुड। अगर आपके पास एपी गिवन है तो व्हाट इज ए, 3, व्हाट इज डी, व्हाट इज डी, 11, ठीक है, तो 12. आपके पास आप, यस बेटे, तो आपके पास ए आ गया और आपके पास डी आ गया। प्लीज ध्यान से देखिए, व्हेनेवर एपी इज गिवन, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि ए और डी दिया जाए, नथिंग एल्स। अगर लास्ट टर्म दे रहा है तो दैट इज nth टर्म इज आल्सो गिवन, तो यहाँ से मुझे सिर्फ यही मिला है, मैं इसको वन लाइनर आंसर देना चाह रहा हूँ, ए इज 3 और डी इज 15 माइनस 3 इज 12, और ये उन बच्चों के लिए लिखना चाह रहा हूँ जो स्टार्टिंग ले सके, अदरवाइज मैं सीधा एक ही क्वेश्चन बनाता। क्या बनाता, देखो, विच टर्म, अभी बेटे मैंने अभी ऊपर भी कहा था, बार बार ये वर्ड आ रहा है, विच टर्म कहते हैं कौन सी टर्म, एकदम से, जब भी आपसे विच टर्म के nth टर्म, हमें नहीं पता सर, nth का मतलब द पोजीशन, जिसको नहीं पता आप उसे कह सकते हो x टर्म,
वाई टर्म, आर टर्म, एनथ टर्म, टी टर्म, दैट इज वेरिएबल, कुछ भी आप सपोज कर लो जिसकी आपको पोजिशन नहीं पता, ठीक है, तो आप उसको कुछ भी ले सकते हो, आर टर्म कह सकते हो, एनथ, तो हम कह सकते हैं एनथ टर्म, तो मैं इसको एक लाइन में लिख रहा हूँ, देखो सब बच्चे, एनथ विच टर्म, एनथ टर्म, ठीक है, ऑफ दिस एपी, तो मुझे इस एपी से कोई मतलब नहीं है, मैं लिख चुका एपी क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, डी क्या है, विल बी, दैट मीन्स इज इक्वल्स टू, इज, विल बी, आर, वाज, दैट मीन्स इज इक्वल्स टू 132 मोर, 132 मोर, सब बच्चे बेटे इस स्टेटमेंट में ही कंफ्यूज होते हैं कि लिखें क्या, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, 132 मोर प्लस देन इट्स 54th टर्म, 132 मोर किससे बेटे, A 54, आप सब बच्चे बताओ, आप सब बच्चे बताओ, ये इक्वेशन समझ में आ गई क्या, यस सर, सारे बच्चे बोलो ना हाँ हूँ, यस सर, यस सर, समझ आ गई, ठीक है, आपसे कह रहा था कौन सी टर्म 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा, तो भाई हमें नहीं पता कौन सी टर्म होगा, एनथ टर्म होगा सर, तो लेट एनथ टर्म इज 132 प्लस 54, अगर बेटे ये आपको इक्वेशन समझ में आ गई तब तो वैल्यूज रखनी है बस, एनथ टर्म का फॉर्मूला लिखना है, आपका आंसर आधे से ज्यादा सॉल्व हो गया इस इक्वेशन को लिखते ही, सब बच्चे देखो एनथ टर्म का मतलब होता है ए, चलो ए भी मैं लिख देता हूँ, या पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूँ सब बच्चों के लिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 132, A 54 will be A plus 53 D. Yes or no? सब बच्चे बताओ. Yes sir. अच्छा बेटे अगर दोनों तरफ A है तो आप A को ऐसे काट सकते हो. इसका मतलब मुझे A की भी जरूरत नहीं रही इस equation में. तो मेरे पास क्या रह गया? मेरे पास रह गया N. मुझे find करना है. D मेरे पास 12 है बच्चे. और 132 plus 53 into 12. D मेरा 12 है. अब आपकी चॉइस है, मैं इसीलिए कहता हूँ कि आपकी चॉइस है, आप कैसे सॉल्व करो, मैं अपने हिसाब से सॉल्व करता हूँ, आप चाहें तो 53 और 12 को मल्टीप्लाई करें, फिर 132 से उसमें ऐड करें, फिर उसको 12 से डिवाइड करें, चॉइस आपकी है कि आप कैसे सॉल्व करते हैं, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड ना करना पड़े, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, यहाँ 53 इंटू 12 है और यहाँ 132 है, इन दोनों में से 12 कॉमन हो सकता है बेटे, ठीक है भाई, तो 12 अगर कॉमन लोगे 11 आएगा, यहाँ 53 आएगा, ये हमारे पास आएगा, ठीक है सर, तो अब आपके पास क्या आएगा, आपके पास हो गया n माइनस 1 इंटू 12, तो 12 से 12 कैंसिल, 53 प्लस 11 कितना होता है सर, 64, और n माइनस 1 इधर है, 1 इधर जाके प्लस होगा तो n कितना आ जाएगा, 65 आएगा, सर समझ में आया कुछ, यस सर, यस सर, पूरा 65th टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, अब जरा देखो आप सब बच्चों को मैं इसका एमसीक्यूज बता रहा हूँ, कंपटीशन में जब ये आता है तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, सब बच्चे जरा ध्यान से थोड़ा सा, मैं इसीलिए कहता हूँ कि एमसीक्यूज का जो पैटर्न होता है बेटे वो दूसरा होता है, देखो इधर देखो, हम आप सब बच्चों से क्या कह रहे हैं, भाई मेरे पास है 3, सब पहले यहीं को समझेंगे, 15, 27, 39, कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि 39 जो है, प्लीज इधर देखो, 39 जो है वो 3 से कितना ज्यादा है, 39 इज व्हाट बाय व्हाट, जिसे कहना चाहिए मोर देन बाय फ्रॉम थर्ड फर्स्ट टर्म, कितना ज्यादा है, 36 ज्यादा है, यस, आप कहोगे बेटा 36 ज्यादा है, अच्छा कॉमन डिफरेंस कितना है, 12, कॉमन डिफरेंस 12 है, तो 36 इस तरह से आया होगा कि पहले प्लस 12 ऐड हुआ होगा, फिर प्लस 12 ऐड हुआ होगा, फिर प्लस 12 ऐड हुआ होगा, तो इसलिए 36 आएगा, तो डिवाइडेड बाय 12, तो अगर डिवाइडेड बाय 12 करूंगा तो इसका मतलब 3 आएगा, तो अगर मैं आपसे कहूं कि 39 जो है वो 3 से 36 ज्यादा है, तो ये 36 का डिफरेंस जस्ट बिकॉज ऑफ कॉमन डिफरेंस d, एंड d इज हियर 12, तो 36 बाय 12 मींस 3, तो इसका मतलब इससे 3 पोजीशन आगे होगा, 3 पोजीशन, अगर ये मेरा फर्स्ट टर्म है तो इससे 3 पोजीशन आगे होगा, तो 39 विल बी फोर्थ टर्म, यस और नो, यस सर, भाई बात समझ में आई, अगर 36 है तो 36 जो है 3 टाइम्स आगे हो गया, तो जो मेरी पहली पोजीशन है उसमें 3 ऐड कर दो तो 4 टर्म आएगा, जरा वन लाइनर आंसर सोचना सारे के सारे बच्चे, सबके सब बच्चे,
जो अपने आप को कमजोर समझते हो, जो डरते हो, वो भी अगर सोचें सबके सब। हमारा जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे 12 है, यहाँ जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो 12 है। आपसे कह रहा है कि 54 से 132 ज्यादा, तो 132 का जो गैप आया है बेटे वो बिकॉज ऑफ कॉमन डिफरेंस आया है, और कॉमन डिफरेंस मेरा 12 है, तो 12 से अगर मैं इसे कैंसिल करूं तो कितने टाइम एक्स्ट्रा है ये? 11, तो 54 से 11 आगे ऐड करना कौन आएगा? 65। कुछ समझ में आया सबको या नहीं आया? आ गया सर। अरे और भी तो बहुत सारे हैं, बोलो। आ गया yes, सर। हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटे, अगर ये हमारा क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो वी डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, ठीक है? हमें कुछ भी नहीं लिखना, नथिंग वी हैव टू राइट, ना ए ना डी ना कुछ। मुझे तो इतना पता है कि 132 ज्यादा है, ये ज्यादा कॉमन डिफरेंस की वजह से हो रहा है, कॉमन डिफरेंस मेरा 12 है, तो 132 को 12 से डिवाइड करूं तो 11 टाइम्स आगे होगा। 11 टाइम्स किस से आगे होगा भाई? 54 टर्म से 11 टाइम आगे होगा, तो 54 प्लस 11 दैट मींस 65th टर्म विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, क्लियर। तो ये yes, sir. तो ये सोचने वाली अप्रोच अपने अंदर डेवलप करो, जिससे कि आप एग्जाम में भी अपने आप को क्रॉस चेक कर सको कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं। सर समझ में आ गया? यस सर। यस सर। आओ सर देखो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिखा रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं। ये क्वेश्चन भी दो बार एग्जाम में आ चुका है और टोटली जिसे कहना चाहिए एपी की प्रॉपर्टीज बेस्ड है, और इस तरह के क्वेश्चन एपी में तो ऐसे ही लगते हैं कि ऐसे ही दे दिए, बट ये क्वेश्चंस फिर आगे जाके आईआईटीज में आते हैं इन प्रॉपर्टीज में। तो जिसे इस प्रॉपर्टी का पता है वो आईआईटी कर लेता है। अब ये 11 12th में मिलेगी नहीं है प्रॉपर्टी कहीं ढूंढने से। आओ देखो कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है। तो ये बेसिक नॉलेज है, इतनी डेप्थ में आप सोचोगे तो आपको आगे बहुत अच्छी फाउंडेशन मिलेगी, और इंशाल्लाह फिर आप जितने भी एग्जाम्स होंगे कंपटीशन एग्जाम्स, दूसरी बात ये हमारी जो रीजनिंग पावर है उसको भी ओपन करता है, तो फिर हम अपने लॉजिक्स अपने रीजंस अपनी जिंदगी में भी अप्लाई कर पाते हैं हर चीज में, डेली लाइफ में। देखो ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, the difference between their 100 term is 100, what is difference between their 1000 term? So, पहले हम इसकी प्रॉपर्टी समझेंगे फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आंसर तो इस क्वेश्चन का कुछ होता नहीं है, जो दिया हुआ है वही आंसर होता है, मतलब आपको क्वेश्चन देखते ही आप आंसर दे सकते हो विद इन 1 second, तो देयर इज नो आंसर। समझो जरा ध्यान से, आपसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है जब वो इस तरह की बात करता है कि टू एपी हैं और उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। अब आप जरा कुछ सोच के देखो कि अगर आपके पास दो एपी हो जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो तो होगा क्या? हाँ भाई, अगर मैं एक एपी कहूँ 2 4 6 8 और मैं दूसरी एपी कहूँ 3 5 7 9, दोनों का कॉमन डिफरेंस 2 है, लेकिन एक को मैंने 2 से स्टार्ट किया, एक को मैंने 3 से स्टार्ट किया, जरा उसके बारे में सोच के देखो। एपी 1, सब बच्चे मैंने आपसे कहा ना क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाएगा विद इन 1 second, तो जब इस तरह का क्वेश्चन देता है तो ये प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ भी नहीं लगना, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन दे रहा है तो फिर स्टेप्स दिखाएंगे करके हो क्या रहा है। हमारे पास एक एपी है बेटे, हम सिर्फ ऐसी एपी लेना चाहते हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो। आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपके एग्जाम्पल दूसरे हो सकते हैं, बट ऐसी एपी लेना जिनका डिफरेंस सेम हो। तो मैं पहली एपी ले रहा हूँ 2 4 6 8 10 12, इस तरह से ले लीजिए, ठीक है? यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी सेकंड टर्म है, इज माय थर्ड टर्म, इज फोर्थ टर्म, इज फिफ्थ टर्म, इज सिक्स्थ टर्म। ध्यान से देखिए सब बच्चे, ये मेरे पास एपी 2 है, और इस एपी 2 को आप किसी से भी स्टार्ट कर लीजिए, 10 से कर लीजिए, 5 से कर लीजिए, 3 से कर लीजिए, मैं फिलहाल 3 से ले रहा हूँ, 3 5 7 9 11 13। सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम इन दीज टू। पहले वाले में कॉमन डिफरेंस 2 का है, डी इज इक्वल टू 2 ईयर, और सेकंड वाले में भी जो डी है वो 2 का है। यस और नो, सब बच्चों को समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, कह सकते हैं भाई? यस सर। अब जरा मुझे आप सब बच्चे बताओ प्लीज, डिफरेंस बताना, प्लस माइनस की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टर्म? One. What is the difference between second term? One. What is the difference between third term?
one. What is the difference between four term? One. Next term? One. So everywhere difference will be same. कुछ नहीं चेंज होता फिर. अब जैसे आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, अगर आप इसको सिर्फ समझ लो कि अगर हमारे पास दो एपी हो, अब मैं आपको वैसे लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि भाई हमारे पास क्या है, हमने पहले एक बच्चे को ₹2 दिए, एक बच्चे को हमने ₹2 दे दिए और एक बच्चे को हमने दिए सर ₹3. तो क्या यहाँ हमने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया? Yes, भाई, कितने का डिफरेंस क्रिएट किया? One का. हमने स्टार्टिंग में एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया. और अब हम क्या कह रहे हैं भाई, रोज तुम्हें ₹2 मिलेंगे. अब तुम्हें रोज ₹2 मिलेंगे, तुम्हें भी ₹2, डेली यू विल गेट ₹2 सेम. तो डिफरेंस तो सबका सेम रहेगा, लेकिन जो आपने पहले दिन डिफरेंस क्रिएट कर दिया, क्या वो पूरा हो पाएगा कभी? No, sir. क्यों भाई? अब आप डेली आप उनको सेम देते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. आपने तो पहले दिन ही डिफरेंस क्रिएट कर दिया, तो जो पहले दिन डिफरेंस क्रिएट कर दिया वही अब हमेशा मेंटेन रहेगा. अब इसको दूसरी एपी की टर्म में समझो. इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देयर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो द डिफरेंस बिटवीन देयर फर्स्ट टर्म रिमेन सेम इन ईच एंड एवरी टर्म. यस और नो? Yes, sir. आपने जो पहली टर्म का डिफरेंस क्रिएट कर दिया है, और अगर आप कॉमन डिफरेंस अब सेम रखते भी हो तो वो डिफरेंस हमेशा कंटिन्यू रहेगा. तो आपके पास ऊपर जो एपी दी थी आपने, उसमें फर्स्ट टर्म में अगर वन का डिफरेंस है तो सेकंड में भी वन का, थर्ड में भी, फोर्थ में, तो एवरीवेयर देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ वन. जरा आप क्वेश्चन पढ़ो 12. द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म का डिफरेंस 100 है. 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा? 1000 जी 100. अभी मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा हर जगह सेम ही डिफरेंस रहता है. अगर यहाँ फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 1 है तो फिर सेकंड का भी 1 है, थर्ड का भी 1 है, फोर्थ का भी 1 है. तो अगर 100 का डिफरेंस 100 है तो बेटे 1000 का डिफरेंस भी 100 ही होगा. डिफरेंस हर जगह सेम रहेगा 100. तो ये तो है प्रॉपर्टी. देखते हैं जितना डिफरेंस फर्स्ट टर्म में है उतना ही डिफरेंस 100 टर्म में, उतना ही डिफरेंस 1000 टर्म में. तो अगर हमें प्रॉपर्टी पता है तो हम वैसे ही सोच सकते हैं कि भाई 100 आना, बट करके कैसे दिखाएंगे वो अभी हम करेंगे. प्रॉपर्टी समझ में आ गई सब बच्चों को? यस सर. जब द कॉमन डिफरेंस इज सेम देन डिफरेंस विल बी सेम, ठीक है, इन कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स. तो इसको करना कैसे वो देखिए जरा. अच्छा होता भी क्यों है कॉमन डिफरेंस ये देखो जरा. मुझे आप बताओ सब बच्चे, मुझे एक चीज बताओ. मैं आपसे कह रहा हूँ भाई हमारे पास 2 AP हैं जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम, तो उसमें हर जगह डिफरेंस सेम क्यों रहता है? सब बच्चे सोचो जरा. मैं आपसे कह रहा हूँ ये हमारे पास AP1 है, ठीक है, इसकी टर्म ले ली हमने A1. फिर हमने ले लिया A2, या A1 भी क्या होगा, A1 होगा A, A+D, A+2D. सब बच्चे देख लीजिए, अगर मैं 100 टर्म कह रहा हूँ बेटे तो वो होगा A+99D, अगर मैं 1000 टर्म कह रहा हूँ तो वो होगा A+999D. AP1 की बात कर रहा हूँ. मैं आपसे कह रहा हूँ नहीं सर मेरे पास एक AP2 भी है. आप सब बच्चे ध्यान से देखिए, अगर AP2 है और मैं उसका फर्स्ट टर्म ले रहा हूँ डिफरेंट, मैंने ले लिया A, ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म मेरा होगा A+B, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों में डी है. तो अगर ये मेरा फर्स्ट टर्म है और ये मेरा सेकंड टर्म है, ये मेरा थर्ड टर्म है, ये मेरा 100 टर्म है और ये मेरा 1000 टर्म है, और तो मैं यहाँ ले रहा हूँ सेकंड वाले एपी में, थर्ड टर्म मेरा क्या होगा A+2D, 100 टर्म मेरा क्या होगा A+99D,
थाउजेंड टर्म अभी करेंगे इसको, अभी तो ये मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। तो मेरे पास थाउजेंड टर्म क्या होगा, ए प्लस 999 डी। आप जरा देख रहे होंगे मैं ऊपर भी स्मॉल डी ले रहा हूँ, नीचे भी स्मॉल डी ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ भाई डी? कॉमन डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंस ही फर्स्ट टर्म का है। अब जरा बेटे इनको माइनस करना आप ऊपर से नीचे, तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना आया बच्चे? ए माइनस ए। जरा सेकंड टर्म का डिफरेंस बताना बेटे कितना आया? ए माइनस ए। थर्ड टर्म का डिफरेंस बताना बेटे? ए माइनस सेम आएगा। अब समझ में आया बेटे? सब बच्चों को समझ में आया क्या हो रहा है? यस सर। बेटे जब आप डिफरेंस निकाल रहे हो तो डी तो कट रहा है ना बेटे दोनों जगह, क्योंकि सेम है, तो सिर्फ डिफरेंस वो आएगा जो फर्स्ट टर्म में आप क्रिएट कर चुके, तो इसी तरह से शो करना। क्लियर है ये बात? यस सर। आओ अब इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन को लिखेंगे ऐसे, इस तरह से लिखेंगे एपी वन, एपी वन, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज डी, ये हम लिखेंगे, ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया। एपी टू, ये हमने कहा ए वन इज ए बट कॉमन डिफरेंस इज डी, डी इज सेम, तो हमें क्या दिया हुआ है? गिवन। व्हाट इज गिवन? हमें गिवन है 100 टर्म माइनस 100 टर्म इज 100, दिया है ना बेटे? डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, यही दिया है ना बच्चे? यस सर। यस मैम। तो बताओ 100 टर्म को आप क्या लिखोगे? ए प्लस 99 डी माइनस ए प्लस 99 डी इज इक्वल्स टू 100। आप ब्रैकेट ओपन करोगे बेटे तो क्या आएगा बच्चे आपके पास? ए माइनस ए इज इक्वल्स टू 100, दैट इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब आपसे क्या कह रहा है? डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। नाउ ए 1000 माइनस ए 1000, सब बच्चे बताओ ए 1000 को आप क्या लिखोगे बेटे? A फिर कैपिटल A 1000 को क्या लिखोगे बेटे? कैपिटल A प्लस 999 डी। सब बच्चे समझ में आ रहा है? अब फिर ब्रैकेट ओपन करोगे आप बच्चे तो 999 डी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा बेटे? A माइनस A। लेकिन आपके पास A माइनस A की वैल्यू तो आ चुकी कितनी? 100। तो रख दो बेटे, बस इस तरह से करना था इसको। समझ में आया सब बच्चों को? जी सर आ गया। तो अगर आपके पास बेटे कॉमन डिफरेंस सेम होता है बच्चे, तो फिर जितनी भी टर्म्स होंगी उनका डिफरेंस सेम होगा। तो अगर आपको 1000 टर्म दिया हुआ है तो वही टर्म 100 टर्म का डिफरेंस होगा, वही फर्स्ट टर्म का डिफरेंस होगा। तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। चलो एक क्वेश्चन और देखो, कहानी खत्म इस एक्सरसाइज की। ये मैंने कल भी कराया था, आज मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन अलग कराऊंगा। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? सब बच्चे ट्राई करो जरा इसे। डर कर रखा था ये तो, कल कर लिया था ये। यस सर। बताओ क्या किया था हमने? हमसे कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब एक तो यहाँ वर्ड का देखेंगे कि जब लैंग्वेज चेंज होती है तो क्या होता है, और एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग देखेंगे इसमें। तो चलो मैं एक बार कर लेता हूँ। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? तो 10 और 250 के बीच में आपको नंबर्स चाहिए बट मल्टीपल ऑफ 4। तो मल्टीपल ऑफ 4 10 के बाद में थोड़ा सा, तो आपको पता ही है 12 हो जाएगा, 12 के बाद 16 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग नंबर्स तो आप बता सकते हो, बट अगर आप चेक करोगे कि 4 से 250 के पास कौन डिविजिबल है, तो उसका तरीका कल मैंने आपको बताया था। आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24 आएगा, रिमाइंडर 10 आएगा। अब 10 से ज्यादा टेबल चलाएंगे लास्ट वाले नंबर में या कम वाली टेबल चलाते हैं? ज्यादा। अच्छा, कम वाली। फायदा क्या हुआ फिर, ज्यादा चलाएंगे तो 250 से आगे चले जाएंगे बेटे, तो आपके पास 2 प्लस में रिमाइंडर आएगा, तो इस 2 को माइनस कर देंगे, मतलब ये 2 एक्स्ट्रा है। अगर 2 ना होता है तो ये डिविजिबल हो जाता, तो लास्ट नंबर आएगा 240 है। तो ये हमें अपनी तरफ से लिखना होता है, रफली कैलकुलेट करना होता है, फिर अपनी तरफ से लिखना होता है। तो आपको यहाँ मेंशन करना होगा
numbers divisible by 4, ये AP आपको अपनी तरफ से roughly form करना है. Divisible by 4 between 10 and 250 R. ये AP आपने form कर लिया, AP form कर लिया, तो answer आ जाना चाहिए, क्योंकि आपसे अभी सिर्फ इतना पूछ रहा है how many numbers are there, how many multiples are there. तो हमारा क्या question है, हमारा क्वेश्चन है कि जो 4 के मल्टीपल्स हैं ये कितने हैं. तो अब हमें क्या करना है, हमें पोजीशन देखनी है कि भाई ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, तो ये हमारा कौन सा टर्म है. अगर ये 50 टर्म हुआ तो फिर इसका मतलब हमारे पास 50 मल्टीपल्स हैं, और अगर ये 60 हुआ तो 60 मल्टीपल है. तो हमें फाइंड क्या करना है बेटे, n, n फाइंड करना. तो ये हमारा एपी आ गया, तो इट इज एन एपी, इट इज एन AP. और इस AP में फर्स्ट टर्म आपका 12 है, डिफरेंस आपका 4 है, लास्ट टर्म nth टर्म आपका 248 है, और आपको n फाइंड करना है. तो AP ही फॉर्म करना है, बाकी तो क्वेश्चन आप लोग सीख चुके हो. तो आप रख दोगे सीधा सीधा 248 is equals to a plus n minus 1 into d. तो 248 minus 12, I think 236. Yes sir. 4 से आप डिवाइड करोगे, 4 से आप डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, n minus 1, 1 को आप प्लस कर दोगे, तो n is equals to 60 term. There are 60 multiples 60. Between 10 and 250. अब सबसे पहले एक तो लैंग्वेज का फर्क देखो, सब बच्चे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, यहाँ बेटे कंफ्यूजन आता है बच्चों के स्कूल में, मतलब एनसीईआरटी में कुछ करते हैं, वहाँ एग्जाम में कुछ और आ जाता है. देखो जरा ध्यान से, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हाउ मेनी डिफरेंस समझना थोड़ा सा, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर मल्टीपल ऑफ 5. सब बच्चे जरा ध्यान से क्वेश्चन को समझें, नोट भी कर लें. फर्स्ट फ्रॉम 5 टू 250, सेकेंड बिटवीन 5 एंड 250. लैंग्वेज में कुछ डिफरेंस नजर आया? यस सर. यस सर. यहां आपसे कह रहा है फ्रॉम, ठीक है, यहां भी मैं एंड ही कर देता हूं, और यहां आपसे कह रहा है बिटवीन, ठीक है, आपसे कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर मल्टीपल ऑफ 5. मैंने सिंपल एक क्वेश्चन लिया 5, उससे आप समझ जाओगे फ्रॉम 5 एंड 250. तो जब आपसे ये कहता है बेटे, प्लीज सबके सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, जब आपसे कहता है फ्रॉम, तो इसका मतलब ये है, फ्रॉम का मतलब है 5 को आपको काउंट करना है. कहां तक? 250 तक. 250 को भी काउंट करना है. तो जो आपका एपी आएगा बेटे, वो एपी होगा 5 10 15 और लास्ट वाला 250 ही होगा, बिकॉज 5 से डिविजिबल है. हो सकता है जैसे हम ऊपर ले रहे थे 10 एंड 250 मल्टीपल ऑफ 4, उसमें ना हो इन्वॉल्व, बट यहाँ दोनों इन्वॉल्व होंगे. लेकिन जब आपको बिटवीन कहता है, तो बिटवीन का मतलब आपको एंड नहीं लेने, ये बिटवीन में ये एंड्स नहीं आएंगे, सिर्फ बिटवीन वाले नंबर ही आएंगे. तो फिर जो आपका एपी बनेगा उस केस में बनेगा 10 15 20 एंड 245. समझ में आया सब बच्चों को या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, आ गया. सर आ गया समझ में? Yes, sir, आ गया. गुड. अब जरा मैं लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन सबको समझना है कि हुआ क्या. आपसे कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन, ठीक है सर, 5 and 250. If divisible by 5 या divided by 5, leave remainder 1. Please ध्यान से देख. How many numbers are there between 5 and 250? If divided by 5, leave remainder 1. जरा मुझे सबके सब बच्चे AP बता दो बस, कितने numbers होंगे, अपना आप count करते रहना. क्या आपकी सर से जी
सर कॉमन डिफरेंस है 11, सॉरी सॉरी ए है 11, ए होगा आपका 11, शाबाश, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट क्या टर्म होगा? 16 सर, 16, सर एक सेकंड, वेट 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 मर्जिया वेट, 11 16 और शफी और नेक्स्ट सर फिर 20 सॉरी 21 21 21 शाबाश बेटे। लास्ट टर्म क्या होगा? 246 तो एक सीरीज ये बनेगी, ठीक है सर, 6 आएगा पहले, एक सीरीज ये बनेगी, अभी मर्जिया कह रही थी 6 आएगा, आप भी कह रहे हो 6 आएगा, हाँ भाई यस सर, हमने yes, आपसे क्या कहा है? यही यहाँ पे कंफ्यूजन है, यही यहाँ पे लॉजिक है, इसी का ध्यान रखना है। एक्चुअली है क्या, सुन लीजिए, आप क्या चाह रहे हो, 5 और 250 बिटवीन की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है, ना 5 चाहिए ना 250 चाहिए, तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 5 एंड 250 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि मल्टीपल बाई 5। तो हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि मल्टीपल ऑफ 5 क्या होंगे बिटवीन में, वो होंगे 10, प्लीज ध्यान से देख लीजिए सब बच्चे, वो होंगे 10, 15, 20 एंड 245। अब अगर हमें रिमाइंडर 1 चाहिए, दीज आर द नंबर डिविजिबल बाय 5, इफ वी नीड रिमाइंडर 1 तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि इसको कर देते हैं 11, 16, 21 एंड 246 और हम इसी को सॉल्व कर देते हैं। सर बस एक ही नंबर होगा ना, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, इसके अलावा सर इसके अलावा कोई और थोड़ी ना होगा, 6 ही होगा ना, 1 ही देगा परिमाण, 11 कहां जाएगा, 11 में रिमाइंडर 1 नहीं आया, नहीं सर 6 आएगा, अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा बेटे, यहां मर्जी है, अच्छी बात मत करो बेटे, 5 2 जा 10 शफी टेबल सुनाओ चलो 5 का, ओके 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 सॉरी 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 मल्टीपल ऑफ 5 कौन से हैं, उसमें 1 ऐड कर देते हैं, नॉर्मली हमारा यही रूल रहेगा, बट बेटे आपको ये देखना कि पीछे जो नंबर्स रह गए हैं क्या उनमें रिमाइंडर 1 आ सकता है, तो यस, बिकॉज अगर हम एक यहाँ नंबर 6 लेंगे तो 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा या नहीं आएगा, तो हमारी जो सीरीज स्टार्ट होगी, हमारी जो एपी स्टार्ट होगी वो एंड तो 246 पे होगी, ये तो कंफर्म है, बट स्टार्टिंग 6 से होगी, तो अगर आपने 11 से काउंट किया होगा तो आपका जो आंसर आएगा वो गलत आ जाएगा, समझ में आया सर सबको? यस सर, यस सर, बस आप इन्हीं क्वेश्चन को कह देते हो कि सर आरडी शर्मा के खतरनाक है, यही कहलाते हैं बस वो आरडी शर्मा आर एस अग्रवाल जो आप कहते हो। चलो सर अब देखो एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा सा है, एक्सरसाइज खत्म, और अगर इंशाल्लाह ये आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर आपका चैप्टर भी खत्म। ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, ये भी फिर आईआईटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ये प्रॉपर्टी भी यूज होती है कि हम 2 AP को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है लैंग्वेज बेस्ड, तो जिस बच्चे को भी ये वर्ड प्रॉब्लम अब पढ़नी आ गई है, ट्रांसलेट करनी आ गई है, वो इसे आराम से लिख सकता है, मैं फिर वही एक लाइन में लिखूंगा इसे, For what value of n? Question number 15. Mark कर लीजिए इसको. These 3-4 questions are very important. आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये question वाकई में हमारे बहुत important है. ठीक है? तो ये questions आप discuss कर लीजिएगा. मतलब बाद में ध्यान रखिएगा board के लिए. Especially for board. तो हम क्या कह रहे हैं? For what value of n are the nth term of 2AP? तो अगर one line आप ढंग से लिख लेंगे, तो आपका equation बन जाएगा, तो solve हो जाएगा. आपसे कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, आई नीड टू फाइंड एन, ओके जी मुझे एन तो चाहिए, पहली चीज तो ये आ गई, आपसे कह रहा द nth टर्म ऑफ 2ap, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, nth टर्म ऑफ 2ap ऑफ ap दिस एंड दिस आर इक्वल, तो अगर जिसने इस लैंग्वेज को समझ लिया nth टर्म ऑफ 2ap, या मैं इसको भी हटा दूं आपके लिए, अगर मैं आपके लिए इसको भी रिमूव कर दूं तो और ज्यादा अच्छा है, कि मेरे पास है क्या, मेरे पास सिर्फ इतना है
nth टर्म ऑफ 2ap इक्वल, ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सा ही है। तो अगर इन वर्ड्स पे आपकी नजर जा रही तो कहानी खत्म। तो आपका क्वेश्चन क्या बन रहा है, आपका क्वेश्चन इतना सा बन रहा है, ए एन ऑफ ए पी वन इज इक्वल टू ए एन ऑफ ए पी टू। सब बच्चे बताओ, बात यही है ना, क्वेश्चन में यही कह रहा है ना वो, या कुछ और कह रहा है? यही बात है। आपके पास बेटे टू एपीज हैं, एक एपी ये है और एक एपी ये है, और आपसे कह रहा है nth टर्म ऑफ 2ap इक्वल। nth टर्म 2ap इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि भाई हमारे पास हो सकता है एक एपी देर से शुरू हुआ हो उसमें डिफरेंस कम हो, एक एपी पहले से शुरू हुआ उसमें डिफरेंस ज्यादा हो, तो कहीं पे जाके वो टर्म्स मिल जाएंगे। तो nth टर्म ऑफ ap1 इज सेम एज nth टर्म ऑफ ap2। अब अगर आपने ये इक्वेशन लिख लिया तो अब आप nth टर्म लिख सकते हैं। ap1 की nth टर्म कौन बताएगा? nth टर्म ऑफ ap1, A क्या है फर्स्ट AP में? 63 प्लस n माइनस 1, n तो पता नहीं, d कितना है फर्स्ट AP में? 2। यस, वेरी गुड। जरा कोई बच्चा मुझे बताएगा nth टर्म ऑफ AP 2? 3 प्लस n माइनस 1 7। d कितना है? 7। n की वैल्यू 13 निकली। भाई सब बच्चों को समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? यस सर, सर आ गई, आंसर भी आ गया। मुबारक हो। चलो भाई सॉल्व करो इसे। आपके पास क्या हो गया, 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7। आओ सर हमारे पास क्या है, 63 माइनस 2 इज 61 प्लस 2n एंड 7n माइनस 7 प्लस 3 इज माइनस 4। तो आपके पास क्या आएगा, 2n दिस साइड 4 दिस साइड, 61 प्लस 4 इज 65, 7n माइनस 2n इज 5n। 5 से सर डिवाइड कर दो, n is equals to 13। That's it. So 13th term will be same in both the AP. ये हमारे पास। सर आ गया समझ में? Yes sir। आओ सर देखो जरा ध्यान से। आपसे कह रहा है डिटरमाइन द एपी हूज थर्ड टर्म इज 16। फिर ध्यान से वही वर्ड बाय वर्ड, हूज थर्ड टर्म इज 16। तो ए थ्री, व्हाट इज ए थ्री? ए प्लस टू इज व्हाट? 16। सेवेंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म। अभी हमने सीखा था एक्सीड मींस व्हाट, A7 minus A5 is equals to 12. Yes or no? Yes, sir. Seventh term exceed the fifth term by 12. What is A7? A plus 5. What is A5? A plus 40. A plus 40. Yes. A cancel. 6D minus 4D. 4D. 2D. 2D is equals to 12. What is D? 6. Put in. Put in 1. So A plus 2, 6, 12 is equals to 16. 4. Is equals to 16. So 16 minus 12, A is equals to? 4. आप बच्चे खुद बताओ, आपको सिर्फ AP लिखना था, AP का मतलब 2-3 terms लिख दीजिए बस। तो आपसे कह रहा था AP हमारा D6 आया है और A हमारा 4 आया है, तो AP is 4, 4 plus 6, 10 plus 6, 16 plus 6 and 22. So on, बस, that is our AP, yes or no? Yes sir। अब जरा देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन, फॉर्मूला भी होता है लेकिन ऐसे ही बस विदाउट फॉर्मूला भी बताएंगे, फॉर्मूले से भी बताएंगे। ये वाली वीडियो में वाकई में सारे अच्छे क्वेश्चंस आ गए हैं, तो इस वीडियो को सेव करके रख लेना, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत परफेक्ट है।
यस फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी. अभी तक जो हम क्वेश्चन फाइंड कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं वो हम nth टर्म फाइंड कर रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट टर्म स्टार्टिंग से. यस सर. लेकिन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट से. तो इस क्वेश्चन का लॉजिक इसमें डी नेगेटिव ले लेते हैं ना. क्यों लें नेगेटिव सर? 853 हो जाएगा फिर. क्यों लें? देखो इधर ध्यान से समझ लीजिए सर. समझ लो. चलो हमारे पास क्या है? हमारे पास है एपी. सब बच्चे ध्यान से समझ लीजिए जो आप बोलना चाह रहे हो. हमारे पास है 3, 8, 13, 253. हमसे क्या कह रहा है? लास्ट से 20th टर्म बताओ. तो अगर लास्ट से 20th टर्म बताना है तो फिर हम इसको क्या करते हैं? इसको दो तरीके से करते हैं. हम इसको रिवर्स ऑर्डर में ही लिख देते हैं सीधा सीधा से. इन रिवर्स ऑर्डर. तो हमारे पास रिवर्स ऑर्डर का मतलब है हमारा जो फर्स्ट टर्म है जिसे आप कह रहे हो हमने 253 से स्टार्ट किया. अब करना क्या होता है आपको ध्यान से देख लीजिए. यहाँ अगर ये इंक्रीज हो रहा है प्लस 5 है तो इसका मतलब 253 से जो पहला टर्म होगा वो 248 होगा. यस सर नो? यस सर. उससे पहले वाला टर्म में माइनस करिए तो 243 होगा. यस सर नो? यस सर. 5 टर्म प्लस हो रहा था वापस अगर करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा. 253 248 243 एंड सो ऑन. तो नाउ हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा जो आप कह रहे थे कि भाई फर्स्ट टर्म इज 253 डिफरेंस इज 248 माइनस 253 इज माइनस 5. आपको निकालना है 20th टर्म. तो 20th टर्म विल बी a प्लस 19d. a हमारा है 253 और d हमारा है माइनस 5. माइनस 5 आपके पास आ जाएगा 253 माइनस 95 13, 5, 8, 24, 9, 15. तो फाइनल आंसर इज 158. तो हमारे पास जो एपी था इन एपी स्टार्टिंग से 3, 8, 13 20th टर्म फ्रॉम एंड 253 लास्ट टर्म था इज 150. ये हमारे पास. तो एक तरीका तो ये होता है कि हम एपी को रिवर्स ऑर्डर में कर दें. लेकिन प्लीज सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए. सारे बच्चे ध्यान से देख लीजिए. एपी में nth टर्म फ्रॉम फर्स्ट इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. nth टर्म फ्रॉम लास्ट is equals to L minus N minus 1 into D. बस ये. तो अगर फॉर्मूला याद है तो सेकंड लगने थे. अदरवाइज पहले रिवर्स ऑर्डर करो ए डी लिखो फिर आप सॉल्व करो. तो nth term from the last L use होना है. nth term from the first A use होना है. वहां पे प्लस हो रहा है D, यहाँ पे माइनस हो रहा है D. सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? मतलब ऊपर जो हमारा क्वेश्चन था तो उसमें हम सीधा सीधा सा क्या कर सकते थे? मुझे 20th टर्म निकालना था तो 20th टर्म मेरा सीधा होता a 20th फ्रॉम लास्ट 20th फ्रॉम एंड तो हमारा होता 253 लेकिन माइनस में 20 माइनस 1 19d d मेरा 5 आ गया. तो सीधा सीधा सा 158. कुछ समझ में आया सब बच्चों को? कुछ नहीं करना था. सीधा ये फार्मूला लिखना था. 20th term from end is equals to L minus N minus 1 into D. सिर्फ इतना सा. Last term को L कहते हैं. Last term is L. पहले भी बताया था ना, कल भी क्लास में बताया था L को याद रखिए. L is the last term. Nth term या last term is L. तो अगर minus में करेंगे D को N minus 1 D को तो फिर last term से आएगा. अगर plus करेंगे तो first term से आएगा. तो ये formula याद रखिएगा. Exercise is over. अब सिर्फ applications हैं. एक ऐसे ही देख लीजिए मजाक में कि हो क्या रहा है. आपको फिर उसे सॉल्व करना है. नेक्स्ट वाली जो एप्लीकेशन है एक्सरसाइज की वो खत्म कर दी गई है. तो सिर्फ nth टर्म पे ही एप्लीकेशंस बची हुई है कि हम डेली लाइफ में एपी को कहाँ यूज करते हैं. ऐसे ही बस देख लीजिए. आपसे कह रहा है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000. 1995 में
स्टार्टिंग सैलरी वॉज 5,000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर. इंक्रीमेंट होता है जो उसकी सैलरी इंक्रीज होगी हर साल, रेगुलर जो प्लस हो रहा है. तो अगर इंक्रीमेंट ₹200 है तो नेक्स्ट 96 में जो सैलरी हो जाएगी दैट विल बी 5200. 97 में जो सैलरी हो जाएगा दैट विल बी 5400 एंड सो ऑन. तो अब अगर आप चेक करेंगे 5000, 5200, 5400 इज व्हाट? बस हमें यही देखना था एपी. इट इज एन एपी. अगर एपी है तो आपसे कह रहा है इन विच ईयर डिड इज इनकम रीच 7000. तो इसी तरह से इंक्रीज होते होते हमारी सैलरी 7000 हो जाएगी. तो आपसे कह रहा है इन विच ईयर. यहाँ ईयर ना देके मैं यहाँ, यस वेरी गुड, शाबाश बेटे. तो अगर यहाँ एन टर्म मतलब ईयर ना कह के मैं कह दू विच टर्म इज 7000. माई फर्स्ट टर्म इज 5000, my second term is 5200, 5400 and so on, and my nth term is 7000. तो आपको यही करना था सीधा सीधा सा. 7000 is equals to a 5000, n पता नहीं है. common difference हमारा increment 200 था. 7000 minus 5000 will be 2000. n minus 1 into 200. 200 से divide करेंगे 10 आएगा. 1 को plus करेंगे तो 11 आएगा. तो in 11th year, ठीक है सर, 11th ईयर ही विल गेट 7000. कुछ समझ में आया? यस सर. इतना सा करना. तो ये इस तरह के एप्लीकेशन है जिसमें एनएथ टर्म का यूज होगा. तो कोशिश कर लीजिए, सारी एक्सरसाइज कर लीजिए प्लीज. एनएथ टर्म पे सिर्फ सम ऑफ एन टर्म्स नहीं, जिसमें भी क्वेश्चन में सम ऑफ एन टर्म आए उसे भी छोड़ देना. एग्जाम्पल्स करिए, क्वेश्चन करिए. सर सही है? तो चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर इंशाल्लाह. एक